में नसरुद्दीन्स एम। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड। ही इज नसरुद्दीन, वो अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहा है, बात करता है, जैसे आप करते हो। ही बिगेन टू बूस्ट मतलब वो बहुत ही बढ़ाई मारने लगा। आप बढ़ाई मार, अरे मैं, मुझे ऐसा आता है, मुझे ये करने को आता है, मुझे वो करने को, तो बहुत बढ़ाइयां मारने लगा। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्करी, मतलब आर्करी मतलब वो और एरो होता है ना, धनुष बाण चलाने में मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। नो वन कैन मैच माई स्किल मतलब हाथ नहीं पकड़ता, मेरी बराबरी नहीं कर सकता। नो वन कैन कम्पीट मी। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एन एम एंड शूट एन एरो। मैं बो को स्ट्रिंग करता हूँ, मतलब उस स्ट्रिंग में ये करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ। टेक एन एम, एक टारगेट लेता हूँ। ओके, जब आप बो और एरो चलाते हो आपको एम लेना पड़ता है। उसके बाद शूट एन एरो, और एक एरो को शूट कर देता हूँ। वूश वूश करके एरो चला जाता है। द एरो इज श्योर टू हिट एंड बैंग द टारगेट, और मुझे गारंटी है कि मेरा एरो बराबर टारगेट पे ही लगेगा, ऐसे वो बता रहा है उसके फ्रेंड्स को। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड एरो एंड सम एरोस। ये सुनते ही एक उसका फ्रेंड क्या होता है, एक बो और एरो लेके आता है, और क्या बोलता है, गिविंग देम टू नसरुद्दीन, ही सेड हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो, ये लो बो एंड एरो, ये एरो और बो ले लो। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट, और वो टारगेट बताता है, वो देखो वो दिख रहा है ना आपको निशान। ओके, एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो, उस जगह पे आप एम करो। ओके, तुम एम करके निशाना साधो। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, स्ट्रंग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। तो फिर नसरुद्दीन ने बो पकड़ा, उसको स्ट्रंग किया, वो एरो को स्ट्रंग किया मतलब लगाया बो के ऊपर, और एम्ड एट टारगेट बराबर से निशाना लिया ये पे, और शूट कर दिया, एरो को छोड़ दिया, करके एरो गया। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन वो उस जगह पे लगना चाहिए था, वहां पे लगा ही नहीं। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, वो बीच में कहीं गिर गया, मतलब उसको वो शूट करना नहीं आया नसरुद्दीन को। हा हा हा, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, उसके सारे फ्रेंड्स हंसने लगे। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज इट योर बेस्ट एम, ये तुम्हारा अच्छा टारगेट है, बेस्ट निशाना है? ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन, वो बोलता है नहीं नहीं ऐसे नहीं है। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, वो खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, डिफेंडिंग मतलब बचाने की कोशिश। दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा एम नहीं था, दिस वॉज आजाद्स एम, ये तो आजाद, मैं बता रहा था कि अगर आजाद अगर निशाना लगाएगा तो वह ऐसे लगाएगा। आई जस्ट शोड यू हाउ द आजाद शूट्स एन एरो, अगर आजाद एरो शूट करेगा तो ऐसे शूट करेगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा था। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, ये बोल के उसने दूसरा एरो उठा लिया। Once again he strung the bow, और फिर उसने बो पे लगाया, aimed at the target and shot the arrow, टारगेट पे एम किया और शूट कर दिया एरो को। This time the arrow fell a little further than where it has fallen before, इस टाइम एरो थोड़ा और दूर जाके गिरा, जहाँ पहले गिरा था उससे थोड़ा आगे जाके गिरा। But certainly didn't hit the target, लेकिन इस टाइम भी उसका एरो निशाने पे नहीं लगा। They asked the Nasruddin, and this must be how you shoot an arrow. हाँ तो ठीक है, ऐसे चलाते हो तुम एरो, ऐसे निशाना लगाते हो? ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन, अरे बोलते ऐसे नहीं है। नसरुद्दीन बोला, अरे मैं ऐसे निशाना नहीं लगाता हूँ। इवन दिस एम वाज नॉट माइन, ये भी मैं नहीं हूँ, ये मैंने किसके जैसे दिखाया, इट वाज चीफ गार्ड, ये जो है ना चीफ गार्ड खड़ा, ये अगर चलाएगा तो ये ऐसे चलाएगा, ये मैं दिखा। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल, फिर वो बोले ठीक है चलो, उसके दोस्त बोले, नाउ हु इज नेक्स्ट लिस्ट, हियरिंग दिस नसरुद्दीन, hearing this all the friend burst in laughing, सब लोग हंसने लगे, यानी सबको पता चल गया इसको एरो चलाना नहीं आता, ये तो ऐसी बड़ाई मार रहा है। नसरुद्दीन didn't say a word, उसने कुछ नहीं बोला। He quietly picked up one more arrow, उसने चुपचाप से एक एरो उठाया, अभी उसको शर्म आने लगी थी। And this time नसरुद्दीन really lucky, और इस टाइम नसरुद्दीन लकी था, इस टाइम उसका एरो बराबर जाके जगह पे हिट कर दिया, एंड बैंग ऑन द टारगेट, और टारगेट पे लग गया। ओके, सी थर्ड टाइम वो सक्सेसफुल हो गए। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, सब लोग स्टेयर करने लगे नसरुद्दीन से। द माउथ अपेज इन अपेज, माउथ अपेज मतलब उसका मुंह खुला का खुला रह गया सबका वो देख के। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग नसरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली, मतलब वो एकदम ऐसे खुश होके, जीत की खुशी थी उसके चेहरे पे। डिड यू सी दैट, इट इज माय एम, ये मेरा निशाना था। चैटिंग, आर्करी, स्ट्रिंग
बैंक टारगेट डिफेंडिंग अमेजमेंट एंड ट्रिम्फेंटली गॉट इट। चैटिंग मतलब बात करना, आर्करी मतलब धनुष बाण चलाना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग मतलब जो बो होता है ना उसको एरो लगाने के लिए वो साइड की स्ट्रिंग होती है, डोरी होती है, उसे स्ट्रिंग बोला जाता है। बैंग बैंग मतलब एक जोर से आवाज आता है ना बैंग। टारगेट मतलब डेस्टिनी जहां पे हमको वो निशाना साधना होता है। डिफेंडिंग मतलब खुद को बचाने की कोशिश करना। अमेजमेंट अमेजमेंट मतलब बहुत ही मजेदार। ट्रिम्फेंटली मतलब एकदम जीत की फीलिंग। रीडिंग इज फन। व्हाट इज नसरुद्दीन बूस्ट अबाउट, क्या बताता था नसरुद्दीन सबको? दैट आई एम द बेस्ट आर्कर, मैं बहुत ही बड़ा निशानेबाज हूँ, ये बताता था। व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम इन ईच टाइम ही मिस द टारगेट, जब भी उसका टारगेट मिस हुआ उसने दूसरा दूसरों का नाम क्यों लिया? वो खुद को बचाए, बिकॉज ही वॉज डिफेंडिंग हिमसेल्फ, उसको खुद को डिफेंड करना था। Why did Nasruddin say it was my aim at the third time? तीसरी बार उसने क्यों बोला ये मेरा निशाना था? बोलो बोलो रत्नेश। Yes, correct. At third time he hit the target. अनुष्का, third time उसका वो एरो जो है वो बराबर टारगेट पे लगा था, इसलिए उसने फटाक से बोल दिया हाँ ये मेरा है। जब गिरा तो उसने क्या बोला? ए मैं ऐसे नहीं शूट करता। गॉट इट? डू यू थिंक नसरुद्दीन वाज अ गुड आर्करी, गुड इन आर्करी? सही में उसको वो एरो चलाना आता था? नो, उसको नहीं आता था, वो तो सिर्फ ट्राई करके लकीली लग गया। ही वाज लकी। रीड एंड एंजॉय नसरुद्दीन होजा। वन डे द किंग फोर्स नसरुद्दीन होजा टू गो टू हंट। एक बार नसरुद्दीन होजा को किंग ने बोला चलो मेरे साथ हंटिंग पे। व्हेन द हंटिंग पार्टी रिटर्न इन द इवनिंग इट वॉज वंडरफुल, हाउ डिड द हंट गो? किंग ने पूछा कैसा था ये, वंडरफुल था। डिड यू किल एनी एनिमल? किंग ने पूछा तुमने किसी एनिमल को मारा? डिड यू चेस एनी एनिमल? तुम किसी एनिमल के पीछे भागे? नो। डिड यू सी एनी एनिमल? किंग ने बोला कोई एनिमल दिखा? दिस वाई डू यू से द हंट वॉज फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि बहुत मजा आया? ना तुमने एनिमल देखा, ना तुम किसी एनिमल के पीछे भागे, ना तुमने किसी एनिमल को मारा। ओ माई डियर व्हेन यू गो टू हंट सच ए डेंजरस एनिमल इट इज ऑलवेज मेंडस नॉट इट केम अक्रॉस एनी वे। ओके, तो उसने क्या बोला नसरुद्दीन ने? एक सेकेंड। क्या बोला? Whenever I go to hunting, सब animals इतने डर जाते हैं कि कोई बीच रास्ते पे आता ही नहीं। तो become a Nasruddin Horja का मतलब क्या है? कि smart बनो Nasruddin के जैसे। अगर कोई काम आपको अटक जाते हो हाँ, तो उस टाइम आपको खुद को डिफेंड करना आना चाहिए, खुद को बचाना आना चाहिए। वर्ड बिल्डिंग, शूट द एरो एंड हिट द टारगेट विद वर्ड्स। चैटिंग, इसमें से कौन सा मैच कर रहा है? चैटिंग, शूटिंग विद बो, इनफॉर्मल टॉक। चैटिंग मतलब इनफॉर्मल टॉक। अमेजमेंट, आर्करी, शूटिंग अ बो विद एरो, डिफेंडिंग, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, टारगेट द गोल, अमेजमेंट, एक मिनट, ट्रिम्फेंटली हैप्पी एंड प्राउड, और अमेजमेंट का यहां पे आएगा नीचे। ग्रेटली सरप्राइज, ट्रिम्पली मतलब हैप्पी एंड प्राउड, टारगेट और डिफेंडिंग मतलब प्रोटेक्ट। गॉट इट? इन दिस वे इसको आप मैच करो टेक्स्ट बुक में। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे एरो और बो में उसके आंसर्स है, ट्राई टू मैच। रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स विद दी वर्ड्स फ्रॉम दी क्वीवर, री राइट द सेंटेंस। इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट। ओके, तो इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट इसको आएगा टारगेट। Nasruddin was surely not a good archer. Surely मतलब certainly. Okay? The teacher said something is about his good handwriting. He felt very happy. Remarked on. Teacher remarked his good handwriting. तो कौन से
वर्ड्स के लिए इन वर्ड्स को आप रिप्लेस कर सकते हो, उन वर्ड्स को रिप्लेस करो और ये वाले वर्ड्स उनको रिप्लेस करके लिखो वहां पे। राइट, क्लूज, इंडियन क्रिकेट 8 आवर्स, क्रिकेट के बारे में लिखना है आपको, कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने टाइम चलता है, कैसी मैचेस होती है, यहाँ पे वर्ड दिए हैं कुछ क्लूज, उसको है उस हेल्प से उसको लिखना है। राजीव, ये राजीव के फैमिली है, फादर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मदर भी, सीता भी उसकी सिस्टर, ये देखो राजीव भी, ग्रैंडमा भी अच्छे से दूध पी रहे हैं, ग्रैंडपा वॉकिंग को जा रहे हैं, हेल्दी फैमिली। यूज द वर्ड्स एंड और बट एंड मेक सेंटेंसेस एज यू कैन अबाउट राजीव। ग्रैंडपा एंड ग्रैंड मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग, ग्रैंडपा वॉकिंग कर रहे हैं, राजीव जॉगिंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि ग्रैंडपा बूढ़े है, वो जॉगिंग नहीं कर सकते। ओके, तो वैसे ग्रैंड मदर इज ड्रिंकिंग अ मिल्क बट सीता इज स्किपिंग, फादर इज क्या बोलते हैं इसको, डंबल्स, फादर इज पिकिंग अ डंबल्स, मदर इज डूइंग, बट मदर इज डूइंग योगा। ऐसे आपको और बट से बनाने सेंटेंस। What arrow pierces the apple? कौन कैसे arrow pierces करेगा? Would you like to see an arrow piercing the apple? Bring the page close to your face. इस पेज को आप जब क्लोज करोगे ना फेस के, ऑटोमेटिकली आपको दिखाई एरो पेज के। दिस इज अ एलिप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल इल्यूजन। लेट्स प्ले, फिल द ग्रिड इन द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, स्टिक, बैट, बॉल, 11, टेबल, रैकेट बॉल, फुटबॉल, 2 to 4, ग्राउंड, स्टेडियम। यहाँ पे लिखना है आपको क्रिकेट, क्रिकेट में क्या होता है बैट बॉल, कहाँ पे खेलते हैं, स्टेडियम में, नंबर ऑफ प्लेयर्स 11। अंडरस्टूड? इधर दिए हैं कितने प्लेयर्स होते हैं, मतलब खेलने के लिए कौन सा ये लगता है, स्टिक लगती है, हॉकी स्टिक लगती है, कौन सा ऑब्जेक्ट लगता है, कहाँ पे खेलते हैं और कितने प्लेयर होते हैं, ये आपको इस ब्लॉग में दिए हैं, आपको इसमें लिखने हैं। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रिड राइट सम सेंटेंसेस, ये इन्फॉर्मेशन यूज करके हर गेम पे आपको 3-3, 4-4 सेंटेंस लिखने हैं, जैसे क्रिकेट पे लिखे हैं। ओके, द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज, ये सारे वर्ड्स हम लोग स्पोर्ट्स में यूज करते हैं, गुगली, पेनल्टी, गोल, फ्री किक, LBW, पेनल्टी कॉर्नर। तो हॉकी में इसमें से कौन से दो वर्ड यूज करते हैं आपको लिखना है, क्रिकेट में इसमें से कौन से दो वर्ड यूज किए जाते हैं और फुटबॉल में इसमें से कौन से दो वर्ड यूज किए जाते हैं, ये आपको करना है। ये पपेट बनाना है, ये देखो ऐसे डॉल बनानी है। ओके, ये पढ़ो आप आपकी इस पे ऐप पे और वैसे पपे बनाओ। चलो बाय बाय, टेक केयर।